टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद अब टीम इंडिया पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया से 4 रन से करारी शिकस्त भी झेल चुका है। यहां पर उन सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया जो ये कह रहे थे कि भाई टीम इंडिया इस बार ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप कर देगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जिस हिसाब से ब्रिस्बेन टी20 जीता है उससे ये तो लगता है कि भारतीय टीम को अभी काफी कुछ सोचने की जरूरत है। खैर, ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय काफी कॉन्फिडेंट है और भारत को पहले टी20 में करारी शिकस्त देने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हाँ, खबरों की माने तो एरन फिंच ने कहा कि भारतीय टीम को हराने का उनके पास अब मौका है। उनके खिलाड़ी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भर चुके हैं। उन्हें पता है कि भारतीय टीम काफी स्ट्रॉन्ग टीम है और ऐसी टीम को हराना आसान नहीं होगा। लेकिन फिंच ने कहा कि हम अपने निगेटिव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपने पॉजिटिव्स पर ध्यान दे रहे हैं और अगर हमें हमारे पॉजिटिव्स पर के प्लान्स पर हम एग्जीक्यूट कर गए तो हम भारत को क्लीन स्वीप भी कर सकते हैं। यानी कि फिंच के मन में भारत के खिलाफ क्लीन स्वीप चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत क्लीन स्वीप खा कर आएगा या फिर 2-1 से सीरीज जीतेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।